हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 7 और संख्याओं की जानकारी के टॉपिक में। आज हम सीखेंगे संख्याओं की घटा, यानी उन्हें घटा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा पर देखते हैं हम, संख्या रेखा पर हम घटाव कैसे करते हैं। जैसे हमें 8 में से 3 को घटाना है, तो हम संख्या रेखा पे 8 पे पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हमें घटाना है तो हम आगे कूदेंगे कि पीछे कूदेंगे? शाबाश, हम पीछे कूदेंगे। और कितने कदम पीछे कूदना है हमें? 3 कदम, यानी 1, 2 और ये पहुंच गए हम 3। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? 5, यानी 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। तो ये तो हमारी संख्या रेखा पर घटा हो गई। अब हम देखते हैं शाब्दिक प्रश्न। जैसे 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं, उनमें से 2 वहां से कूद गए, लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं? यानी ये तो 7 मेंढक बैठे हुए थे और उसमें से 2 कूद गए, तो अब कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी कुल मेंढक थे 7, कूद गए 2, तो मेंढक बचे 7 घटा 2, यानी बराबर में 5। तो घटा हमें कहाँ करनी है, इसका कैसे पता चलता है? शाब्दिक प्रश्न में हम कुछ स्पेशल वर्ड्स को ढूंढते हैं। जैसे कम करना, अगर ये शब्द आ रहा है तो भी हमें घटा करनी है। घटा करना तो घटा करनी ही है, कम तब भी घटा, अंतर तो भी घटा, काटना तो भी घटा, कमी तो भी घटा, और एक शब्द बचा या बचे। जैसे अभी हमने देखा कि कितने मेंढक बचे, तो वहाँ भी हम घटा करते हैं। या अगर हमारे पास आए कितना कम या कितना अधिक, अगर ये शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं हमारे शाब्दिक प्रश्नों में, तब भी हम क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो अब ये शब्द याद रहेंगे, जहाँ ये शब्द दिखे इट मीन्स हमें यहाँ पर घटा करना है संख्याओं को। तो अब देखते हैं आगे क्या है। एक स्कूटर की कीमत 54,500 रुपये और मोटर बाइक की कीमत 60,925 रुपये है, कौन सा वाहन महंगा है और कितना? अब वर्ड आ रहा है ना कितना, इट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पर? घटा करनी है। लेकिन उससे पहले हमें बताना है महंगा कौन सा है। तो जिसकी कीमत ज़्यादा है वो महंगा, तो कीमत किसकी ज़्यादा है? मोटर बाइक की। वेरी गुड। तो अब हम देखना है कि मोटर बाइक हमारे स्कूटर से कितनी महंगी है। तो मोटर बाइक की कीमत को हमने ऊपर रखा, स्कूटर की कीमत को नीचे रखा और दोनों को घटा दिया। घटा के उत्तर क्या आया? 6,425 रुपये। तो ये हो गया हमारा एक शाब्दिक प्रश्न। अब देखें हमारे पास क्या है। अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहले है कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। अब 118 किस में से घटाना है हमें? 453 में से, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ना। तो 453 और 118 नीचे रखा, कॉलम में व्यवस्थित कर दिया। अब घटाएंगे, 3 में से 8 जा सकता है? बताओ जल्दी, 3 में से 8 घटा सकते हैं? 3 हमारे पास है, हम किसी को 8 दे सकते हैं? नहीं। तो ये 3 गया यहाँ, इससे ले लिया 1, यहाँ बचा 4 और इसके पास हो गए 13। आप 13 में से 8 गए, यहाँ पर आ गया 5। 4 में से 1 दे सकते हैं हम? 3। और यहाँ भी 4 में से 1 दिया 3, तो 335। अब प्रश्न 2 देखें। 5,654 को घटाना है किस में से? 7,634 में से। तो वो ऊपर लिखा और 5,654 को हमने नीचे लिख लिया। घटाएं अब, 4 में से 4 गया 0। वेरी गुड। अब फिर वही, 3 हमारे पास है, 5 हमें देने हैं, हम दे सकते हैं? नहीं। तो हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ रह गया 5 और ये हो गए 13। फिर 13 में से 5 गए, मिला 8 और 5 है अब, नीचे देने कितने हमें? 6। फिर वही प्रॉब्लम आ गई, 5 है, 6 दे सकते हैं? नहीं। तो हम फिर से बोरो कर लेते हैं, यहाँ रह जाएंगे 6 और ये हो गए 15। अब 15 में से 6 दे सकते हैं? यहाँ आ गया 9, 6 में से 5 गया
एक। उत्तर क्या आ गया? 1980। हो गया सॉल्व ये भी। अब अगला प्रश्न है, 50,000 से 45,872 कितना कम है? देखो शब्द क्या आ रहे हैं, कितना कम, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, घटा। तो ये हो गया 50,000, क्योंकि वो बड़ी संख्या है, वो ऊपर, और 45,872 को हमने नीचे रखा और अब हम इसे घटाएंगे। अब पहले यहाँ से शुरू किया, जीरो में से दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें दो देने हैं, दे सकते हैं? नहीं। तो हम गए पड़ोसी के पास, वो भी जीरो लिए बैठा है, वो गया अपने पड़ोसी के पास, उसके पास भी जीरो, आगे भी जीरो, फिर फाइनली पाँच पे पहुँचे, तो पाँच में से हमने एक ले लिया, ये हो गए चार, यहाँ बन गए दस, लेकिन इसने पहले वाले को देना है, तो इसके हो गए नौ और ये हो गया दस, इसने दूसरे को देना है, इसके हुए दस और ये रह गया नौ, और फिर वही, ये रह गया नौ और लास्ट वाला, ये बन गया दस। अब दस में से दो गए आठ, नौ में से सात गए दो, नौ में से आठ गया एक, नौ में से पाँच गया चार, और चार में से चार गया ज़ीरो। तो उत्तर क्या आ गया, कितना कम है, 4,128। अब प्रश्न तीन देखें, दो संख्याओं का अंतर 700 है। यदि बड़ी संख्या 3,340 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बड़ी संख्या तो दे दी और उनका अंतर दे दिया, यानी 3,340 में से 700 अगर कम कर दें तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी, यानी कम करने का मतलब क्या करना है हमें यहाँ पर, घटा। वेरी गुड। तो 3,340 और इसमें से घटाना है हमें 700। देखो ध्यान से, मैंने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखा है। अगर हम इस ढंग से लिखेंगे ना कि 700 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये है गलत तरीका। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन सब का ध्यान रखना है और उनको उन्हीं के नीचे लिखना है। अब इसे घटाना शुरू करें, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, चार में से ज़ीरो गया चार, वापस आ गया, कुछ दिया ही नहीं हमने, चार के चार हमारे पास। अब तीन हमारे पास हैं और सात देने हैं, दे सकते हैं? नहीं। कहाँ जाएं हम, यहाँ, यहाँ रह गया दो और ये हो गए 13। अब 13 में से सात गए, कितने रह गए, 6, और दो यहाँ पर एज इट इज़। तो उत्तर क्या आ गया, 2,640। तो छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या 2,640 है। हो गया हल। तो देखो कितनी आसान है घटा करना। तो इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।